हे वेलकम बैक टू माय चैनल। सिर्फ 3 वीक बाकी है कैट को, एंड आज से 1 साल पहले मैं भी इसी सिचुएशन में था, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू माइट बी फीलिंग राइट नाउ। एंड दिस वॉन्ट बी अ लॉन्ग वीडियो, बड़ा बनाना पर्पस नहीं है, मीनिंगफुल बनाना पर्पस है। व्हाट एग्जैक्टली यू शुड बी डूइंग फॉर द नेक्स्ट, आई वुड से 15 डेज फ्रॉम 9th, दैट इज जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा, मोस्ट प्रोबेबली आई होप हो जाए टिल 23rd। आई वुड से 2-3 दिन चिल मारने के लिए चाहिए। आई नो चिल ऐसे होगा नहीं, बट हाँ मारने के लिए चाहिए चिल। सो 9th to 23rd क्या करना है वो मैं बताऊंगा। मीन वाइल आई एम ऑल्सो टेकिंग सेशन ऑन अनअकैडमी। मैंने 6 सेशन ले लिए हैं। इट हैज़ कवर्ड कॉम्प्रीहेंसिवली द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज टू डू। इट इज़ रेलिवेंट फॉर कैट 2023 एंड कैट 2024। सो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद स्ट्रैटेजी, गो ऑन। ऑल्सो आई विल बी टेकिंग अ क्लास टूडे, दैट इज ऑन 9th, वेर आई बी अटेंडिंग अ मॉक लाइव, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी हाउ, बोलने के लिए तो कोई भी बोल देता है ऐसे करो वैसे करो, टेक वन मॉक लाइव अटेम्प्ट एंड वी वॉन्ट टू विटनेस हाउ एग्जैक्टली यू थिंक। तो देर इज अ वेरी बिग चांस दैट मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ, मैं बहुत गंदा स्कोर करूँ, बट टू शो दैट वॉट आई वॉज डूइंग आई बी टेकिंग दैट क्लास। यू कैन कम, यू कैन आस्क डाउट्स टू मी इन द सेशन एंड यू सी एग्जैक्टली वॉट आई डू। बट दिस इज इट, गोइंग टू वॉट यू शुड बी डूइंग। आई हैव डिवाइडेड इट इंटू 4 पार्ट्स। वन इज जनरल, वन इज वी आर सी, एल आर डी आई एंड क्वांट्स। आई विल टॉक इन डेप्थ अबाउट इट। लेट्स डाइव इन टू इट। जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू एनीथिंग न्यू। मन में बांध लो, जो कर लिया कर लिया। नया टॉपिक्स नहीं आने वाला। ज्योमेट्री छोड़ दिया, ज्योमेट्री तुम्हारे लिए पेपर में बच्चा ही नहीं है। इट इज़ अ ज्योमेट्री फ्री पेपर फॉर यू। दैट इज़ हाउ आई थॉट एंड आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। आई टुक कैट 3 टाइम्स, आई लेफ्ट ज्योमेट्री 3 टाइम्स। कुछ नहीं हो रहा, एक्नॉलेज इट, एवरी वन हैज़ शॉर्ट कमिंग्स, इट्स फाइन। सेकेंड, डू टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नाउ। हो गया भाई, जितना भी अपने मन से करना था, कॉन्सेप्ट सीखना था, हौले हौले करना था, हो गया। इट्स नाउ टाइम फॉर टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ओनली। आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग इट ऑलरेडी, बट आई थिंक यू नीड टू नाउ मेक इट पूरा कॉन्क्रीट। गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल। सो आई एम श्योर अगेन एक स्ट्रैटेजी फिक्स कर ली होगी। इफ़ यू हैव नॉट फिक्सेटेड अ स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ, आई थिंक टुडे 9th इज द लास्ट डे यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज इसके बाद एक स्ट्रैटेजी फिक्स करो और उस पर काम करो। देर इज नो सब्स्टिट्यूट। आई वुड से if you are not coming with a strategy, you are going in a losing war most probably. Don't do that to yourself. You have given your time, you have given your money, you have given your energy, so give justice to it and usi strategy ko bahut sare sectionals mein implement karo. See, things can go wrong. What, why is it necessary? You will say, Hemant, maine ye strategy bana li to main isko follow karunga hi, why will I not follow it? The thing is, when things start going wrong, how do you react to it? What is the टाइमर प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ रहा है, या सपोज करो टाइमर प्रेशर आया या सम्स नहीं बन रहे, तुमने सोचा अरे ये स्ट्रैटेजी भी सुना, ये भी कर लेते हैं, एंड सडनली एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप। सो टू हैव यू फेथ ऑन योर स्ट्रैटेजी एंड टू स्टिक अप ऑन इट, इट इज़ नेसेसरी। थर्ड थिंग, गिव मॉक्स इन योर स्लॉट। सब लोग बोल रहे हैं इट्स काइंड ऑफ नेसेसरी, इट्स नॉट, आई वुडन्ट से इट्स नेसेसरी बट इट्स सफिशियंट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। नहीं भी करो ठीक है, बट करोगे तो अच्छा। एंड फोर्थ, now this is one thing that I think probably no one says, but when you go in an exam hall, if you're taking CAT for the first time, you might be giving mocks in a very very, I would say, sound free environment, koi bhi disturbance nahi hai, but when you enter the exam, throughout the time there will be mouse clicks, and suddenly you are giving mocks in a very very silent room or silent environment, and you are pushed into an environment where there are constant mouse clicks, and it's really hard to concentrate. डी डे में ऐसा सियापा नहीं होना चाहिए, सीधा बात। बी रेडी फॉर इट, गो टू यूट्यूब, देयर इज अ माउस क्लिक वीडियो, सर्च फॉर इट, इट्स अ 9 आवर वीडियो, उतना टाइम का जरूरत नहीं है, बट वेन एवर यू टेक मॉक्स जस्ट ओपन द वीडियो एट अ डिसेंट साउंड, नॉट फुल साउंड, डिसेंट साउंड, हाफ वॉल्यूम, एंड लेट कीप इट सो दैट यू प्रैक्टिस इन दैट एनवायरमेंट, एंड आई होप ड्यूरिंग द टेस्ट टाइम इट वॉन्ट बॉदर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल थिंग्स। नाउ आई विल गो स्पेसिफिक। 1 मिनट ईच फॉर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक to beg your pardon on my hairstyle and the way I am presenting myself right now. It's mostly हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अगेन माई हेयर्स आर नॉट, और से द वे आई टोल्ड इन IIMK इंटरव्यू, शैम्पू साबुन थी ना, शैम्पू कंडीशनर किया था तो बैठे हुए हैं। सो आई नो आई एम नॉट लुकिंग एट द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज, बट दैट्स नॉट द गोल। लेट्स टॉक अबाउट VRC, वेरी सिंपल, 3 थिंग्स, 4 थिंग्स आई वुड से। फर्स्ट, रीड 5 आर्टिकल्स डेली फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, नॉन नेगोशिएबल। आर्टिकल्स क्यों? शॉर्ट होते हैं, और डोंट गो फॉर एऑन के बड़े बड़े वाले, एऑन डेली पढ़ना वो छोटे होते हैं, बट आई वुड से आर्टिकल्स देखो
द रीजन इज कि यू विल गेट अ डाइवर्स सेट ऑफ रीडिंग्स, 75 रीडिंग्स इफ लेट्स से दे आर फाइव और सिक्स ब्रॉड टॉपिक्स एंड ऑन ईच ब्रॉड टॉपिक यू आर गेटिंग 12 टाइप्स ऑफ रीडिंग्स, दैट विल मेक यू अ लॉट कम्फर्टेबल वेन अ सर्टन टाइप ऑफ आर सी कम्स अप एंड यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन दैट टॉपिक. सो अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुमको वही आर सी करना पड़ा तो यू वॉन्ट बी दैट मच पैनिक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट एंड इट्स नॉट न्यू टू यू. ऑल्सो द हैबिट ऑफ रीडिंग विल बी गुड बिकॉज यू विल ऑलवेज बी इन द जोन ऑफ रीडिंग एंड यू वॉन्ट जोन आउट वाइल रीडिंग लॉन्ग पैसेजेस और पैसेजेस दैट आर नॉट इन योर फेवर ड्यूरिंग कैट एग्जाम, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. तो अगर ऐसा आर्टिकल खुल गया जो बहुत ही आई वुड से टेकी वर्ड हैवी है, जार्गन्स हैवी है, यू कैन चूज टू स्किप इट, बट इन कैट एग्जाम यू कैन नॉट. सो आई रैदर से कि इसको भी कैट की तरह मानो, जो आर्टिकल आया उसको परस्यू करो. सेकेंड, डू 10 पैरा जम्बल्स, पैरा समरीज एंड पैरा कम्प्लीशन जो हम लोग टाइम आया था, 10 10 10, 30 पर डे विदाउट फेल, नॉन नेगोशिएबल अगेन. दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सी द सॉल्यूशंस प्रॉपरली एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट इन कैट रियली वेल. एंड फॉर वी आर सीज आई वुड से इन्फ्रेंस वगैरह के क्वेश्चन वो सब सेक्शनल्स के तौर पर या प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर करते रहो. फुल लेंथ मॉक ज़्यादा मत दो अभी, 2 3. I have talked in depth about VRC strategy and today I'll probably take a VRC sectional only. So you can come and join me on an academy. But this is it for VRC. Let's move on to LIDI, the section which messed up my CAT 2 times. Really, I would say kind of good insights. I hope it works for you. DILR. Hey man, DILR mein kya kar sakte? Batao yaar. Bahut tension ka mahol chal raha hai. I'll ask you one thing. And that will require a lot of, I would say, discipline. Do 8 sets every day. क्या बोल दिया भाई, 8 sets? मतलब हर सेट का आधा घंटा तो 4 घंटा LRDM ही चला गया. नहीं, do a mix of sets. Easy, moderate. Don't do a lot of hard sets. Goal रखो 15 मिनट के अंदर एक set max complete करने का, what you would like to have it in your exam. The whole point is to not pressurize yourself or not learn new things कि अभी भाई मेरे को पूरा नया सीखना है, but to have confidence in yourself, to have faith in your preparation, and that will only come when you start solving and it gets solved. So pick up easy and moderate sets which you would be likely to attempt in exam and make sure you complete it. 15-20 minutes, 20 minutes, art set 160 minutes, max 3 ghanta. It's a good investment, but you will get 120 quality sets, new type of sets that will add to your final day preparation. Second, 2 games of Sudoku every day. I've talked this previously in my previous video. I've talked this on an academy. Sudoku is important. That will give you a mind for numbers. That will remove your fear for numbers. And that will help you think. So, wo zarur kar. Third, do 1 Kakurasa medium level every day. I won't say about the game. You open the game, you'll figure it out. If you haven't started, start with easy. But ek din mein kam se kam easy level ko samajh lo, parakh lo. And move to the medium level. Kakurasa is a very good game again. And final thing, revise the sets which have given you bad time during your mocks, which you thought you would be able to do, but nahi kar paye. You started it with the thought, bhai ye to lag raha hai ho jayega, must set hai. Aaj to 5 ke 5 question pakke hain, but nahi hua. See, those are the sets. If something like that comes up, which is a very less probability, but agar kuch matching bhi aaya and you're not able to do it, you'll regret a lot. And this is one thing I've been saying to everyone. When you come out of the exam hall, the one thing that you should not have is regret. You should be very much be like, हाँ मैंने अपना फुल दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता था, अब नसीब था. किसी का नसीब अच्छा होता है, किसी का नसीब खराब होता है, बट इफ़ यू हैव दिस रिग्रेट कि यार 2 घंटा और पढ़ लेता, ये सेट देख लेता, वो कर लेता, ट्रस्ट मी यू वुड रिग्रेट अलॉट एंड दैट इज द वर्स्ट फीलिंग. दैट इज़ फॉर LRDI. एंड नाउ मूव टू क्वाड, लास्ट सेक्शन. सबसे जब थका के वहाँ पहुँच जाते हैं, फॉर्मूला भरे जीवन से निकलना पड़ता है, पूरा हालत ख़राब हो जाता है. दीज आर माई 2 सेंट्स ऑन क्वांट्स. लेट्स सी अगेन, बहुत सारा कमिटमेंट मांगते हुए हेमंत भाई ने बोल दिया 50 क्वेश्चन पर डे करने. गाली देना चाहते हो दे दो कि भाई तुमने इतने सारे VRC बता दिए, क्वांट्स बता दिए, DILR बता दिए, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं. यू हैव टू डू इट. लास्ट, देयर लॉट ऑफ पीपल हु से चिल करो, लास्ट के दिन है ये वो. आई वुड से चिल करना ज़रूरी है, बट यू डोंट गेट आउट ऑफ द जोन ऑफ एग्जाम बिकॉज यू हैव एग्जाम्स लाइंड अप. इट्स नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ओनली अपीयरिंग फॉर कैट बट डिफरेंट एग्जाम्स. And you don't want to see yourself get zoned out of the exam stage. उसके बाद स्नैप एंड मैट माई कैट जैट क्या क्या एग्जाम्स रखे हुए. सो यू हैव गिवन 1 ईयर ऑफ योर टाइम. डोंट लेट दिस की 10 दिन मजे कर लिए और सब बर्बाद हो गए. डोंट लेट दिस हैपन. सेकेंड, नो न्यू टॉपिक्स.
रिवाइज ओनली ओल्ड टॉपिक्स, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, वो नहीं आ रहा पेपर में, सीधी बात नो बकवास, जो छोड़ दिया वो नहीं आ रहा है पेपर में। थर्ड, ओनली टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, 2-2.5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करने का एम बनाओ। व्हाई एम आई सेइंग दिस, 40 मिनट है, 4 मिनट्स पर क्वेश्चन भी अगर दिए, 10 क्वेश्चन बना लोगे, 30 मार्क्स में बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट गेट मोर, बट आई एम सेइंग ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी इज ऑलवेज देयर। 4 मिनट्स पर क्वेश्चन इज यूज, यू विल डेफिनेटली गेट 1 or 2 questions विच यू आर डूइंग इन 1 or 2 minutes, एंड दैट विल कवर अप फॉर द टाइम दैट कोई क्वेश्चन तुमने 2 मिनट उठाया बट तुम नहीं कर पाए, एंड सम क्वेश्चन यू पिक्ड अप एंड यू डू इट इन 2 मिनट्स। सो इट्स लाइक यू डिड 1 question इन 4 मिनट्स, एंड इफ यू डू 10 questions यू रिलेटिवली एंड अप इट अ बेटर प्लेस। गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल्स, चूजिंग द राइट क्वेश्चंस इज द मेन थिंग इन क्वांट्स, बिकॉज यू विल डेफिनेटली गेट 5-6 ईजी एंड 7-8 मॉडरेट, दैट इज 14 questions, टफ कम होने वाले हैं। सो चूजिंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इज द राइट थिंग, देर विल बी ट्रिकी क्वेश्चन, डोंट फॉल फॉर इट। लाइक इट्स नॉट ईजी टू, लाइक इट्स नॉट, इट्स ईजी टू से डोंट फॉल फॉर इट, मैं भी गिरा था, बट दिस इज एन एडवाइस, इफ यू थिंक इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, अगर सेंस हो गया आगे बढ़ जाओ, इफ यू कीप बींग एट इट थिंग्स माइंड गो बैड। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड टू से। अगेन दिवाली आ रही है, मज़े करो, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, डोंट ओवर क्रिटिसाइज योर सेल्फ, ओनली डू टाइम बेस्ड प्रैक्टिस, अपने मॉक स्लॉट में प्रैक्टिस करो, माउस का साउंड मत भूलना, प्रैक्टिस सोर्सेज थोड़े डाइवर्स रखो, क्रैक यू है, अनस्तासी शंकर है, अन अकेडमी है, दोस्त है, उन सब से करो, एंड यू विल डू वेल। मेरे अन अकेडमी के सेशन पे आना तो आओ, मुझसे डायरेक्ट बात करो, कुछ भी डाउट है क्लियर करो, और देखो मैं मॉक कैसे अटेंड करता हूँ, होपफुली मेरे कुछ ढंग के मार्क्स आ जाए, ताकि लोगों में मेरी इज्जत बनी रहे कि हाँ भाई अभी भी 1 साल बाद भी इसके अंदर कुछ तो बाकी है। DILR और VRT का शायद दूंगा, कुछ अच्छा करने की उम्मीद से आप लोग के लिए। सी यू ऑल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़िए मेरे साथ, एंड आई एड्रेस योर डाउट इन माई ग्रुप, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन माई ग्रुप एंड एन अकेडमी सेशन। सी यू, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम एट दिस जंक्शन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली रियली होप टू सी सम ऑफ यू हियर एट IMK। आई बी कमिंग अप विथ इंटरव्यू वीडियोज एज वेल, विच इज समथिंग आई काइंड ऑफ I'm better at expertising, and I'll give you some perspective. So, yeah, this is it. Thank you. Good day.